दोस्तों टैनिंग एक ऐसी समस्या है जिससे आप और मैं हम सभी दो चार होते हैं, और जब मौसम बारिशों का हो तो टैनिंग तो डेफिनेटली बढ़ ही जाती है। कभी बादल हो रहे हैं, कभी अचानक से धूप निकल आती है, हम अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस करते हैं कि चलिए आज बादल है, हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर चलते चलते, कहीं पर घूमते घूमते अचानक धूप निकल आती है और वो धूप हमारी स्किन को कर देती है टैन, और ये टैन धीरे धीरे जिद्दी होने लगता है अगर हम इसके ऊपर तुरंत कोई उपचार ना करें, कोई इलाज ना करें। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं घर में बनने वाले एक डी टैन सॉल्यूशन के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं, बहुत महंगे महंगे डी टैन उठा के लाते हैं, वो डी टैन काम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पर वो हमारी स्किन को डिहाइड्रेटेड भी कर रहे हैं। लेकिन ये डी टैन जो आप अपने घर में बनाएंगे, ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, आपकी स्किन की जो नमी है उसे मेंटेन करके रखेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो एजलेस भी दिखाई देगी और उस पर होने वाली जो टैनिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। सो देर किस बात की है, अगर आप भी परेशान हैं टैनिंग से, सनबर्न से, या फिर होने वाली धूप की वजह से जो कालापन है उससे, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पोस्टनेचुरल डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों टैनिंग एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर हमारी स्किन जो है उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, जो कि 100% डेड सेल से बनी है, वो बहुत ज़्यादा झुलस जाती है, बहुत ज़्यादा जल जाती है। और जैसे ही ये जल जाती है या झुलस जाती है, इसका मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है और हमारा ब्रेन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे वाली जो लेयर है, जिसे कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम कहा जाता है या फिर बेसल लेयर कहते हैं, उसके अंदर होने वाले मेलेनोसाइट्स द्वारा मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत तेज कर देता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये मेलानिन क्या होता है? सो मेलानिन बेसिकली हमारी स्किन को, हमारी आईज को, हमारे बाल को कलर देने वाला एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन, हमारी आईज और हमारे बाल का जो कलर है वो डिसाइड होता है। अगर हमारी स्किन के अंदर मेलानिन कम है तो हमारी स्किन फेयर होती है, और अगर यही मेलानिन हमारी स्किन में ज़्यादा हो जाए तो हमारी स्किन डार्क हो जाती है, डस्की हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इवन टोन स्किन चाहते हैं तो हमारी स्किन एक जैसा मेलानिन प्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि हमारी स्किन के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई टैनिंग, सनबर्न जैसे केसेस ना हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप थोड़ा सा धूप में चले जाते हैं और आपकी स्किन की टेंडेंसी है कि वो टैनिंग प्रोड्यूस करती है, तो आपको इस DIY को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस DIY को बनाने के लिए हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए दोस्तों, वो चाहिए कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च हम अपने घर में बहुत इजीली इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में जो बनने वाली सूप हैं, सब्जियां हैं, उनकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बहुत आराम से ये आपको अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट पर, आपके आसपास किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाएगा। कॉर्न स्टार्च का एक काम होता है कि ये बाइंडिंग बहुत अच्छी करता है, मतलब कि ये चीज़ों को आपस में बाइंड कर देता है। तो जब भी हम कॉर्न स्टार्च को अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से ये हमारे डेड सेल्स के साथ में, जो कि जल गए हैं, झुलस गए हैं, उनके साथ में बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है। जब ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा तो जब आप इसे वॉश करोगे तो साथ में ये अपने डेड सेल्स लेके निकलेगा, जिसकी वजह से जो जले हुए, झुलसे हुए डेड सेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और नीचे जो नए सेल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज्यादा लाइट हैं, वो आपको बाहर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सो 2 टेबलस्पून हमें यहां पर कॉर्न स्टार्च लेना है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहां पर लेना है वो है चावल का आटा। चावल का आटा अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और चावल का आटा बहुत आसानी से हमारे घर में मिल भी जाता है। नहीं है तो आप नॉर्मल जो चावल हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसे छान लीजिए, लीजिए आपका चावल का आटा तैयार है। इस चावल के आटे के अंदर स्टार्च होता है और यह स्टार्च हमारी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड फील करती है। सो 1 चम्मच हमें इसी रेमेडी के अंदर चावल का आटा ऐड करना है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए यहाँ पर, वो चाहिए थोड़े से ओट्स।
ओट्स जो हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल्ड होते हैं, तो उनके अंदर स्किन में जमा डेड सेल्स को निकालने के लिए या उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको रब करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है, बहुत अच्छी ताकत होती है। सो वो बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप लगभग आधा चम्मच या एक चम्मच यहाँ पर ओट्स ज़रूर डालें, ओट्स स्किप ना करें, ताकि आपकी स्किन को बेहतर पॉलिशिंग इफेक्ट आपको मिल सके। सो ये तीनों हमने पाउडर्स ले लिए हैं यहाँ पर। अब हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है। सो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें इसी के अंदर ऐड करना है एक चम्मच शहद। शहद अगर ऑर्गेनिक होगा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक शहद जो है वो हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है, हमारी स्किन के अंदर हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ देता है, और हमारी स्किन के अंदर जमा जितने भी डिहाइड्रेटेड सेल्स हैं उनको वापस से हाइड्रेटेड बना करके उनके अंदर एक नया जान भर देता है। सो एक चम्मच हमें यहाँ पर ऑर्गेनिक हनी लेना है। नंबर नेक्स्ट जो चीज़ दोस्तों हमें इसमें ऐड करनी है वो है दही। दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड स्किन को रिजुविनेट करता है, स्किन को फेयरनेस देता है, और साथ ही साथ स्किन के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी देता है। सो एक चम्मच हमें यहाँ पर दही ऐड करना है, ताकि जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा रिजुविनेट हो जाए, बहुत ज़्यादा फेयर दिखाई दे, और साथ ही साथ में हमारी स्किन के ऊपर यूथफुल अपीयरेंस भी हमें दिख जाए। नंबर लास्ट जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पर आपको उतना ही ऐड करना है जितना कि इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद पेस्ट को एक थिक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ज़रूरत हो। सो आधा से एक चम्मच एलोवेरा जेल काफ़ी रहेगा। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा कामिंग, बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है, जो ना सिर्फ हमारी स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है, बल्कि जो स्किन के सेल्स हेल्दी हैं उन्हें भी लंबे समय तक मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। इन छह चीजों को आप अच्छे से मिला लीजिए और लीजिए, आपका एक बेहतरीन D10 बन करके तैयार है। इस D10 को आप हफ्ते में एक बार अपने पूरे चेहरे पर लगाइए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद अपने चेहरे को आप हल्के हल्के हाथ से मसाज करते हुए वॉश कीजिए, और वॉश करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन आपको बहुत सारा थैंक यू कह रही है, क्योंकि आपने उसको वो सड़े हुए, जले हुए, झुलसे हुए जो गंदे सेल्स थे उनसे एक तो छुटकारा दिला दिया, और साथ ही साथ आपकी स्किन को जब आप रिलैक्स कर देते हो तो आपके ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि अच्छा, अब स्किन में इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई है, और अब आपकी स्किन मेलानिन के प्रोडक्ट को बनाना कम कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फिर से रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। इस रेमेडी को 15 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी एज ग्रुप में हो, वो बहुत आराम से कर सकता है। लड़का, लड़की, मेल, फीमेल्स, बुजुर्ग, कोई भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करके अपनी स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं। और चेहरे के अलावा भी आप इस रेमेडी को शरीर में कहीं पर भी, जहां पर आपको टैनिंग हो गया है, सनबर्न हो गया है, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।